दोस्तों, मैं अपनी जिंदगी का एक ऐसा एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूं आपसे। मैं अभी अबू धाबी में हूं, यूएई में। यहां से दुबई जाऊंगा। अबू धाबी में आज उस मंदिर का दर्शन करने गया था जिस मंदिर का उद्घाटन करने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछले फरवरी में आए थे। और इस मंदिर का उद्घाटन करने के बाद वो श्री कल्की धाम का शिलान्यास करने हमारे संभल में आए थे। ये एक चमत्कार से कम नहीं है। यूएई अबू धाबी एक मुस्लिम कंट्री है और यहां मुस्लिम कंट्री में इतने बड़े मंदिर का निर्माण होना ये अपने आप में एक अजूबा है, किसी चमत्कार से कम नहीं है। और माफ करना, ये हो ना पाता अगर भारत के स्वाभिमान और भारत के गौरव की गाथा को पूरे देश में पहुंचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। पूरी दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है। देश की आजादी के बाद से लेकर आज तक हमारे देश में बहुत प्रधानमंत्री हुए, सबने अपने अपने तरीके से काम किया है, लेकिन भारत की गौरव गाथा को, भारत को गौरवान्वित करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं अबू धाबी में, जब मैं इस मंदिर में गया तो मैं बड़ा भावुक हो गया। और मैं यहां अबू धाबी की हुकूमत को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने पूरी दुनिया में एकता का संदेश दिया है। लेकिन ये सब तब हो पाया जब देश का प्रधानमंत्री, जब भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री पूरे विश्व में सनातन और विश्व बंधुत्व की ध्वजा को लेकर के आगे बढ़ा। सारी दुनिया हमारा लोहा मान रही है, सारी दुनिया भारत की तरफ देख रही है। और भारत में जो विपक्ष के नेता है वो नरेंद्र मोदी को गाली दे रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ फेक वीडियो जारी कर रहे हैं। मैं भारत की जनता से अपील करना चाहता हूं कि यदि भारत को गौरवान्वित होते हुए देखना चाहते हो, यदि भारत के गौरव को शिखर पर देखना चाहते हो, यदि आप भारत से प्रेम करते हो तो अपना एक एक वोट भारत की अस्मिता और अस्तित्व के लिए नरेंद्र मोदी को डालना चाहिए। और अगर आप चूके तो बहुत पछताओगे। लम्हों की खता सदियों की सजा भोगने को मजबूर कर देती है। हम जब जब चूके हैं तब तब हमने सदियों तक सजा भोगी है, गुलामी भोगी है। इसलिए मैं आज यूएई की धरती से, और मैं कहना चाहूंगा कि अबू धाबी की धरती से, दुबई की धरती से, और बल्कि मैं कहना चाहूंगा इस्लाम की धरती से, सनातन के ध्वजवाहक नरेंद्र मोदी जी को वोट देने की अपील कर रहा हूं। यही विश्व बंधुत्व है और यही वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, सर्वे भवन्तु सुखिना। ये हमारी सनातन की संस्कृति है। हे विपक्ष के मूर्धन्य नेताओं, तुम मोदी से इतनी नफरत मत करो कि मोदी से नफरत करते करते इस देश से नफरत करना शुरू कर दो। परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि वो आपको सद्बुद्धि दे। जय हिंद।